हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स इंडस्ट्री में तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन लेट जी बी आर नॉन अबेलियन ग्रुप इफ अल्फा बिलोंग्स टू जी हैव ऑर्डर 4 एंड बीटा बिलोंग्स टू जी हैव ऑर्डर 3 देन द ऑर्डर ऑफ अल्फा डॉट बीटा इज अ। ये हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, 6, 12 इज ऑफ ऑर्डर 12 के फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नीड नॉट टू बी फाइनाइट। तो इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स हम। तो इसको सॉल्यूशन के लिए हम दो एलिमेंट मान लेते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सपोज हमने माना एक अल्फा 4 बराबर मैट्रिक्स, एकदम जो ग्रुप ले रहे हैं वो ले रहे हैं मैट्रिक्स ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2x2 ये ले रहे हैं। तो यहां से हमने ले लिया सपोज अल्फा 4 बराबर है हमारे पास 1001 है, क्योंकि इसके अल्फा की जो पावर ऑर्डर है वो 4 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दूसरा मैट्रिक्स है कि जिसके लिए बीटा क्यू बराबर ये है हमारे पास 1001। अब फ्रेंड्स, चूंकि यहां से हम जानते हैं कि अल्फा बीटा टू द पावर के नॉट इक्वल टू अल्फा के बीटा के, क्योंकि कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस तरह से तो हम करते नहीं है कि इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई की पावर 10 बार कर रहे हैं। तो इसका पावर 10 डॉट इसका पावर 10 ये इस तरह से, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होती नहीं है। तो ये सेटिस्फाई नहीं होती, तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये जो है 12 के फॉर्म में ये होगा ही नहीं। तो के बराबर 1 के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, 6 के लिए भी नहीं होगी, 12 के अलावा 6 पे भी नहीं होगी। तो यहां से ये हो गए हमारे पास ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा नीड नॉट बी फाइनाइट। फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा का जो ऑर्डर हो वो फाइनाइट ही हो सकता है वो जो ऑर्डर हो इनफाइनाइट हो। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन हम आगे सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।